एंड मिसेस दात मीनू की दुनिया, मीनू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, आज मैं आपको फेस्टिव लुक मीन्स रक्षाबंधन का लुक दिखाऊंगी, एकदम सिंपल एंड एलिगेंट। आप देख सकती हो कि मैंने कैसा मेकअप किया हुआ है रक्षाबंधन के लिए, बिल्कुल मैं ऐसा ही लुक क्रिएट करने जा रही हूँ। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते भी जाऊंगी कि हमें कैसे अपना मेकअप करना है जो सिंपल भी लगे और बहुत ही अच्छा लगे हमारे फेस पे। और आप देख सकते हैं मैंने कितना अच्छा और ऐसा किया हुआ है, आप देख सकते हो अच्छे से कि मैंने कैसा अपना मेकअप किया हुआ है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी गाइस कि ये कैसे मेकअप करते हैं। गाइस जो बिगिनर है इसके लिए भी बहुत आसान है कि वो आसानी से इतना मेकअप कर सकते हैं, और आपके पास जो प्रोडक्ट है उसके साथ ही आप ऐसा मेकअप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास जो ब्रांड्स है उससे ही अच्छा मेकअप होता है गाइस। सो आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिए गाइस। मैंने मेरा फेस अच्छे से क्लीन कर लिया है और हेयर को भी हेयर बैंड लगा लेती हूँ जिससे मेकअप करने में आसानी रहे। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। यह है सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र क्रीम जो मुझे बहुत ही पसंद है। यदि आपके पास नहीं है तो आप आपका फेवरेट कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा सकते हो, जैसे कि निविया क्रीम है। मैंने फिंगर टिप से पूरे फेस पे मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा लिया है और हल्के हाथ से अच्छे से मसाज कर लिया है। मॉइस्चराइज़र बहुत ही ज़रूरी है, इससे आपका मेकअप इवन लगता है, स्किन स्मूथ लगती है। इसके बाद मैं नायका का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, इसे मैं अच्छी तरह से अप्लाई कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आपके पास कोई भी ब्रांड का हो या पतंजलि का एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्टेप कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, ये हमारे ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करता है और मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रखता है। अब यह है प्रो कंसील का ऑरेंज कंसीलर। आप देख सकते हो मेरे आईज के नीचे डार्क सर्कल कितने हैं, तो मैं वहाँ अप्लाई करती हूँ और फेस पे जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है वहाँ वहाँ लगा रही हूँ। अब इसे मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से डैप कर लूँगी अच्छी तरह से। गाइज अब मैं मेबेलिन फिटमी का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, इसका शेड है 2280। ये मेरे स्किन टोन को सूट करता है, आप अपने स्किन टोन के हिसाब से फाउंडेशन चूज़ करें। इसके लिए मैंने ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छी तरह से वेट करके निचोड़ लिया है। मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन हाथ में निकाल के डायरेक्ट ब्यूटी स्पॉन्ज से फेस पर लगा रही हूँ, और आप देख रहे हैं मैं पूरे फेस पर डैप डैप करके अप्लाई कर रही हूँ। बट याद रहे इसे हमें रगड़ना नहीं है। यह है प्रो कंसील का डार्क ब्राउन शेड जिससे मैं कंटूर कर रही हूँ। इसके लिए हमें फेस के दोनों साइड 3 जैसे शेप बनाना है और नोज पे लगाना है। बाद में कंटूर ब्रश से हमें अच्छे से स्मज करना है। अब मैं मेवेलियन फिटमी का लूज फिनिशिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं अपनी आईज़ के नीचे और लिप्स के अराउंड जहाँ जहाँ हमें पसीना ज़्यादा होता है वहाँ वहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ। अब आप देख सकते हो मेरा बेस अच्छे से तैयार हो गया है और कितना फ्लॉलेस लग रहा है। यह है मेरा यूरोप गर्ल पेरिस का आईब्रो पैलेट, उसमें से मैं ये डार्क ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हो मेरी आईब्रोज के बीच में गैप दिख रहा है जिसे फिल करना बहुत ज़रूरी है, सो मैं ये गैप को पहले फिल कर लेती हूँ।
फिल करने के बाद मेरी आईब्रोज कितनी अच्छी लग रही है और इससे परफेक्ट लुक देने के लिए मस्करा यूज़ कर रही हूँ। इससे आईब्रोज को परफेक्ट टेक्सचर एंड शेप आता है। अब हम आईज का मेकअप करेंगे। सबसे पहले हम ब्रश से लूज पाउडर लेके अच्छे से अप्लाई करेंगे। और ये है नायका का बीच साइड पीच आई शेडो पैलेट। इससे मैं ये कलर लेके क्रीज लाइन क्रिएट कर रही हूँ और अच्छे से स्मज कर रही हूँ। और अब ये दूसरा कलर से मैं पूरे आईलिड पे अप्लाई कर दूंगी, जिससे मेरी आई शेडो नेचुरल लगेगी और अच्छे से स्मज कर लूंगी। आप देख सकते हो कितनी नेचुरल आईज दिख रही है। अब डार्क ब्राउन आई शेडो लेके अपने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करूंगी, जिससे मेरी आई शेडो का लुक बहुत ही अच्छा लगेगा। अब यह है लैक्मी एब्सोल्यूट का ब्लू लाइनर। मेरा आउटफिट ब्लू कलर का है तो ये ब्लू लाइनर लगा रही हूँ। ब्लू के साथ ब्लैक लाइनर मुझे बहुत ही पसंद है तो मैं ब्लैक लाइनर भी लगाऊंगी। और ऐसे ही सेम स्टेप मैं नीचे करूंगी, ब्लैक एंड ब्लू कॉम्बिनेशन में मैं नीचे काजल करूंगी। लास्ट में मस्करा करना पसंद करती हूँ, सो उससे पहले मैं मैक कॉस्मेटिक का ब्लशन इसमें से पीच कलर ब्रश में लेकर एक्स्ट्रा हटा के चिक बोन पे अप्लाई करूँगी। इससे मेरा मेकअप नेचुरल लगे। मुझे ब्लशन ज़्यादातर पसंद नहीं है तो जब भी लगाती हूँ कम। यह है नायका का ग्लो गोल्स का हाइलाइटर। ये स्टेप मुझे बहुत ही पसंद है गाइस। अब मैं फैन ब्रश से हाइलाइटर को चिक बोन की ऊपरी साइड, नोज ब्रिज, क्यूपिड बोन और चिन बोन पे और थोड़ा सा फोरहेड पर अप्लाई करूंगी। आप देख सकते हो कि हाइलाइटर लगाने के बाद मेरा फेस कितना शाइनी लग रहा है और कितना नेचुरल और कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं रेवलॉन का मस्कोरा दोनों ही आईलैशेस पे लगा लूंगी और नीचे की आईलैशेस भी लगा लूंगी। अब है बारी लिप्स की, तो पहले लिप लाइनर से लिप्स को परफेक्ट शेप कर लूंगी। लिपस्टिक तो मैं नायका का न्यू शेड करूंगी, जो शेड नंबर है वेकअप। ये लगाने के बाद मैं नायका की मिनी लिपस्टिक का बॉम्बई शेड लगाऊंगी। जब भी मैं आईज मेकअप ब्राइट करती हूँ तो लिपस्टिक ज़्यादा डार्क नहीं करती, जिससे मेकअप नेचुरल लगे। और मैं कभी भी एक लिपस्टिक नहीं यूज़ करती, हमेशा दो लिपस्टिक का शेड बना के ही यूज़ करती हूँ। आप देख सकते हो कितना अच्छा मेरा लिपस्टिक का शेड लग रहा है, एकदम न्यूड और एकदम नेचुरल। ये है मैक का मेकअप फिक्सर स्प्रे। इसको मैं अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी, जिससे हमारा मेकअप फुल डे ऐसा ही रहेगा। आप देख सकते हो मेरा मेकअप कितना नेचुरल एंड परफेक्ट है राखी के लिए और कितना फ्लॉलेस लग रहा है।
गाइज अभी मैं अच्छे से मेरे ऑक्सीडाइज का झुमका पहनूंगी इसके साथ, सो बहुत ही अच्छा लुक आएगा गाइज। आप देख सकते हो कितना प्यारा झुमका लग रहा है। सो गाइज अब मैं सिंदूर करने जा रही हूँ, जो शादीशुदा नहीं है वो उसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं मेरे बाल को अच्छे से कॉम कर लूंगी और अच्छे से सेट कर लूंगी मेरे बालों को। सो गाइज अब मैं सिंपल से बिंदी लगाऊंगी जिससे मेरा लुक और भी अच्छा लगेगा। गाइस आप लोग देख सकते हैं इसका बेस जो मैंने किया हुआ है इतना फ्लॉलेस लग रहा है कि आपको ऐसा ना लगे कि आपने बहुत ज्यादा मेकअप कर दिया है, और ऐसा ना लगे नेचुरल मेकअप लगना चाहिए, जैसे कि आपने जो आप ये देख सकते हो कि मैंने कैसे अपना बेस को भी फ्लॉलेस बनाया है। रक्षाबंधन की ये बेस्ट लुक है मेकअप का कि आप बिल्कुल सिंपल एंड एलिगेंट एंड बहुत ही अच्छा लुक आता है गाइस। आप भी देख लीजिए, बिल्कुल नेचुरल लग रहा है, बहुत ज्यादा मेकअप भी नहीं लग रहा है। और ऐसा अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, कि जैसे मैं कुछ नया वीडियोस अपलोड करती हूँ तो आप उसको एंजॉय कर सके। सो गाइस अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड कमेंट बिलो।